नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा यंत्र बनाना सिखाऊंगा जिससे आपको अगर ये यंत्र बना करके अपने घर में लटका देते हैं तो ये यंत्र बहुत ही चमत्कारी है। इस यंत्र के प्रभाव से धन, ऐश्वर्य, गाड़ी, बंगला सब कुछ आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। इस यंत्र को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, किसी भी शुक्रवार के दिन बना सकते हैं। शुक्रवार है, सोमवार है, गुरुवार है, ये तीनों दिन में किसी भी दिन बना सकते हैं। जब इस यंत्र का आप रिजल्ट देखेंगे खुद आपको विश्वास नहीं होगा, बंद किस्मत के ताले को खोल देगा। इस यंत्र में आपको किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की आशीर्वाद या दुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह यंत्र स्वयं सिद्ध यंत्र है। और एक खास बात, जो स्वयं सिद्ध यंत्र होते हैं इसका रिजल्ट तत्काल मिलते हैं। अगर विश्वास करके अगर आप पत्थर की पूजा करते हैं तो भगवान बन जाते हैं, और अगर भगवान आपके सामने भी खड़े हैं, आपके विश्वास नहीं है, तो जो भगवान आपके सामने में खड़े वो भी पत्थरतुल्य हो जाते हैं। तो तंत्र मंत्र की दुनिया में विश्वास होना भी जरूरी है। अब यंत्रों के बारे में मैं छोटा सा जानकारी बता दूं तो यंत्र को देवी देवताओं के प्राण कहे गए हैं, हृदय कहे गए हैं। जो यंत्र होते हैं, जैसे कि हम शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि यंत्र बनाते हैं, राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु यंत्र बनाते हैं, माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जो दुर्गा विष यंत्र है ये घर में स्थापित करते हैं। तो जो यंत्र है ये देवी देवताओं के हृदय कहे गए हैं, प्राण स्वरूप कहे गए हैं। प्राचीन समय के संत महात्मा लोग कहते हैं जब मंत्रों से काम न बने तब यंत्रों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आज हम मोबाइल से एक दूसरे से बात करते हैं, मान के चलिए आप दिल्ली में हैं, मैं दिल्ली में आपको यहाँ से कॉल करूंगा तो मुश्किल से 2 सेकंड लगते हैं। 2 सेकंड के अंदर में हम एक दूसरे से जुड़ करके बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जो यंत्र है, चाहे देवी देवता किसी भी लोक में हो, अगर आप ये यंत्र बना करके उनके यंत्र बना करके घर में स्थापित करते हैं तो न चाहते हुए भी उनको आकर के आपको कार्य को सिद्ध करना पड़ता है और आपके जो परेशानी, आपकी जो तकलीफ है उन तक तत्काल जल्दी पहुंच जाता है। इसलिए अपने घर में कोई ना कोई यंत्र बना करके जरूर रखें। मैं आप लोगों को लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, शुभ ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी धनदायक यंत्र बता रहा हूँ। ये यंत्र किस प्रकार से बनाना है मैं वीडियो की स्क्रीन में भी शो करूंगा। देखिये, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। और आज YouTube में आकर के जो आप सभी दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी सार्थक हो, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और मैं हर दिन बोलता हूँ, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक छोटा सा परिवार है जिसमें आप, मैं, सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे परिवार के हिस्से हैं। जो भी आपके मन में कोई डाउट है, जो समस्या चल रही, परेशानी चल रही, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पीछे आपके पूछे गए सवाल का एक वीडियो बना करके जानकारी साझा की जाएगी। तो आपको यंत्र किस प्रकार से बनाना है, कैसा बनाना है, इस यंत्र को घर में रखने से क्या फायदा होगा, क्या चमत्कार मिलेगा, कितने दिन में इसका रिजल्ट मिलेगा, सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर ये यंत्र शुक्रवार, गुरुवार या फिर सोमवार के दिन बना करके घर में रखते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है। और नवरात्रि में अगर इसे बना करके रखते हैं, दीपावली है या फिर होली, तो फिर ये सोने पे सुहागा है, आपको तत्काल इसका परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। तो इसके लिए जो जो सामग्री चाहिए वो सामग्री ध्यान से नोट करें। सर्वप्रथम तो आपको भोजपत्र चाहिए, भोजपत्र ना हो तो सफेद कोरे कागज ले सकते हैं। दूसरा सामग्री नोट करें, दूसरा सामग्री में आपको लेना है पीपल, गुलर और बरगद, ये तीनों के आपको पत्ते लेना है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, पीपल, गुलर और बरगद, ये तीनों के आपको पत्ते लेना है। और इन तीनों के पत्ते को पीस करके रस निकाल लेना है और आपको तीनों के रस को एक जगह मिला लेना, मिक्सर कर लेना, और इसके रस के साथ में आपको लाल चंदन डालना है। लाल चंदन किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लाल चंदन न मिलने पर लाल कलर की स्याही का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यंत्र कैसे बनाना है ध्यान से देखिए। तो हमारे वीडियो में जो शो हो रहे यंत्र इस प्रकार से देख लीजिए, हमारे वीडियो की स्क्रीन में जो शो हो रहे हैं यंत्र इस प्रकार से देख लीजिए। यह यंत्र आपको बनाना है और इस यंत्र को बना करके जो भी देवी देवताओं के प्रति आपकी आस्था है, निष्ठा है, भाव है, वो आपको व्यक्त करते हुए, जैसे कि माँ लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, उनके सामने में इस यंत्र को आपको रख देना है और आपको एक शब्द जरूर बोलना है कि हे माता,
कि हे भगवान इस मंत्र को, इस यंत्र को जागृत जरूर करें, इसमें शक्ति भर दे, बस इतना आपको प्रार्थना करना है। और इस यंत्र को बाद में थोड़ी सी पूजा पाठ इस यंत्र की कर देना, पूजा पाठ करने के बाद एक फ्रेम इससे बनवा करके घर के सभी सदस्य, जहां पे घर के सभी लोग आपस में बैठते हैं, वहां पे ये यंत्र टांगना शुरू कर दीजिए। इस यंत्र को टांग दीजिए तो घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, अगर आपस में लड़ाई झगड़ा होते हैं, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएंगे। घर के सभी सदस्य जहाँ पे, अगर आप इसे हाल में रखते हैं तो घर के सभी सदस्य जहाँ पे बैठते हैं वहां पे रखते हैं तो घर के सभी सदस्य के शरीर में ऊर्जा बढ़ाएंगे। नकारात्मक शक्ति किसी के शरीर में लगा हो, जो गंदे विचार है, गंदे सोच घर के लोग रखते हैं, वो दूर हो जाएंगे। यानी कि सबके भाग्य उदय करेंगे, सबके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। धन का भाव अगर आपके जीवन में, तो धन का भाव दूर हो जाएंगे। घर में सुख शांति यश कीर्ति सौभाग्य सब चीज स्वतः ही खींचने का काम करते हैं। घर में गाड़ी बंगला सुख संपत्ति सब चीज जो स्वतः ही आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे, जो चीज आपने सोच करके रखें। बस आपको विश्वास करके, आपको कर्म जरूर करना है, मेहनत जरूर करना है। मेहनत के साथ साथ अगर आप ये यंत्र अपने कार्यालय में रखते हैं, दुकान धंधे वाले स्थान पर रखते हैं, घर में रखते हैं, तो यकीनन माने उसका रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, इसका परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। ये सोने पे सुहागे का काम करते हैं और ये आपके जीवन में ऐसा चमक भरेंगे, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस यंत्र से हमारे घर में आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है। अगर आपकी कामना है आपके घर में, जैसे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, हमें कमेंट करते हैं, गुरुजी हमारे घर में धन आने का सभी मार्ग बंद हो चुके हैं तो क्या करें, तो एक काम करना, इस यंत्र को देखते हुए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के बीज मंत्र जरूर पढ़ना। तो ऐसा माना गया है, इस यंत्र को देखते हुए अगर कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी की बीज मंत्र पढ़ते हैं तो उस मंत्र के प्रभाव से और इस यंत्र की कृपा से, क्योंकि ये माता लक्ष्मी की हृदय कहे गए हैं, जो यंत्र होते हैं देवी देवताओं की हृदय कहे गए हैं, प्राण कहे गए हैं, तो उनके हृदय को देखते हुए, इस यंत्र को देखते हुए माता लक्ष्मी की बीज मंत्र पढ़ते हैं तो आपकी पुकार डायरेक्ट माता लक्ष्मी तक जाती है। धन की कामना को लेकर के यह पुकार करेंगे, जैसे माता हमें धन प्रदान करे, फिर इसको देखते हुए कोई भी लक्ष्मी मंत्र पढ़ सकते हैं, जैसे कि ओम श्रीम श्री नमः, ओम लक्ष्मीयाय नमः, धनम देही, जो भी माता लक्ष्मी के मंत्र जानते हैं वो मंत्र पढ़ते हुए यह यंत्र देखना शुरू कर दीजिए, इसका अच्छे परिणाम मिलेंगे। कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, जो व्यक्ति कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस यंत्र को देख करके, जो भी कार्य को करने के लिए जाते हैं, जैसे कि आपके कोई अटके हुए कार्य, आप चाहते हैं कि आपके अटके हुए कार्य जल्दी से पूरे हो जाएं, तो इस यंत्र को देखते हुए और इस यंत्र से प्रार्थना करते हुए, जैसे कि हमारे कार्य सफल हो जाएं, इस प्रकार से इस यंत्र से प्रार्थना करें और इनके दर्शन करके आपको अपने घर से निकलना है, तो आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। जो विद्यार्थी हैं, आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर चाहते हैं कि उनको अच्छा परिणाम मिले, उनके रिजल्ट अच्छे आए, पढ़ने लिखने में जो परीक्षा के दिन है उसमें उनको अच्छे अंक से वो पास हो जाएं, तो इस यंत्र को देख करके जाना है, इनके दर्शन करके जाना है, हमारे अच्छे पेपर बने, इस प्रकार से आपको कामना करते हुए जाना है। तो बिल्कुल ही जितने भी याद करके बच्चे रखेंगे, उस किए हुए जो उत्तर है उनको कभी नहीं भूलेंगे और अच्छे उनको रिजल्ट भी मिलेंगे, उनके परिणाम अच्छे मिलेंगे, अच्छे पेपर बना करके आएंगे। यानी कि जिस भी कामना को लेकर के इस यंत्र के दर्शन करके जाएंगे उस कामना की पूर्ति करते हैं। और इससे हमने अपने जीवन में कई लोगों को इसके उपाय बता चुके हैं, ये यंत्र बना करके दे चुके हैं, इसके परिणाम अच्छे ही मिलते हैं। तो आप भी अपने दिन दुखी दरिद्रता गरीबी परेशानी दुख तकलीफ समस्या एवं किसी भी प्रकार के कर्जे के भार से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये यंत्र बना करके घर के अपने हाल में जरूर टांगे, पूजन स्थान पे रखें, ये कार्यालय में जरूर रखें, आपको तरक्की जरूर मिलेगा। अगर वीडियो में बताया गया जानकारी थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना न भूलना। हो सकते हैं आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए, किसी के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार, जय माता दी।